किधर है, मुंह दिखा दे, मुंह दिखाई करवा दे। 220 कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, क्लच प्लेट पूरा चेंज करवा रहे हैं। तो देख लो अभी अपना सुनहरी को फर्स्ट राइड, इसका क्लच प्लेट वगैरह चेंज करने के बाद में हम लोग ले रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। तो देख लो यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं कॉफ़ी, ये देख किधर गया, ये रहा, हाँ भाई इसी गिलास में पी ले रहे हैं, कप अपना फूट गया हुआ। ये देख लो चश्मा पहन रहा है, आराम से इधर काम कर रहा है। देख लो क्या रे, चश्मा पहना हुआ है घर में, निकाला नहीं है ना इसलिए पहन सकता है, क्या बोलता है? बोल ना क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? ठीक है, सरिया सरिया। तो आज हम जाने वाले हैं सुनहरी का थोड़ा सा क्लच असेंबली चेंज कराएंगे पूरा का पूरा। सुनहरी अपना ये रहा। तो अभी हम लोग दस जुमा का नमाज पढ़ के निकले हैं। उसको तो देख लो इधर है, क्या नाम है तेरा रे आज? इसको गुलू गुलू मैं बोलता हूँ, गुस्सा होता है। गुलू नाम कोई ख़राब थोड़ा ही है, जो गुस्सा होता है। दो चाबी दो। तो चलते हैं आज देखते हैं सुनहरी को। आपको सबको जुमा मुबारक भाई। सुनहरी को ना आज क्लच असेंबली चेंज कराना है क्योंकि ख़राब हो गया और दो साल से मैंने चेंज किया नहीं है, तो इस बार करेंगे। और ये दोनों भाई घूम रहे इधर, बाइक को लाए हुए हैं बनाने के लिए। चलो दिखाता हूँ सुनहरी को कहाँ रखे हैं। अपना 220 पल्सर, उसका क्लच प्लेट चेंज करवा रहे हैं। मैं अभी 80 रोड में और यहाँ पे बाइक का काम करवा रहे हैं। 220 कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, इसका पूरा हिलाना मत, क्लच प्लेट पूरा चेंज करवा रहे हैं। देख लो सुनहरी को पूरा नया करना है, सुनहरी पूरा नया हो जाएगा। इसको लेकर जाना है अभी कहाँ पे, डाउकी लेकर चलना है, शिलोंग डाउकी लेकर चलना है। तो थोड़ा सा इसका क्लच काफ़ी दिन से चेंज भी हो गया, देख लो मोबिल किस तरह से काला हो गया हुआ है। और इसके बाद में सोना यानी हुंडा को भी, स्टेनर को भी, उसे भी हमें एक दिन ब्लॉक चेंज करवाना है। ये जो ब्लॉक, ये बल्ब ब्लॉक ख़राब हो गया हुआ है, देख लो सब जल गया हुआ है। यहाँ पे ये प्लेन होना चाहिए, ये पूरा लाइन आ गया हुआ है। तो देख लो अपना ओके हो गया पूरा, अपना कस उस गया हुआ है। अभी हम लोग एक बार स्टार्ट करेंगे इसको। ऑन हो जा भाई, अभी देखो कितना स्मूथ हो गया है ना। तो उम्मीद है छोटा सा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्द से जल्द कर लो। चलो थोड़ा चलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, भूख लग गया हुआ है क्योंकि बाइक बनाने में ही दो तीन तीन घंटा तो अपना चला गया। क्या रे भूख लगा है क्या? तो चलो खाना खाने चलते हैं। तो देख लो अभी अपना सुनहरी को फर्स्ट राइड, इसका क्लच प्लेट वगैरह चेंज करने के बाद में हम लोग ले रहे हैं। तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है और इसमें जैसे कि मोबिल आपको पता ही है, मैंने मोबिल काफ़ी कॉस्टली डाला है, फर्स्ट टाइम डाला है, देखता हूँ क्योंकि हीटअप ना काफ़ी ज़्यादा होता था इंजन से। और अभी हम लोग हैं पल्टन बाजार में, तो यहाँ देख लो। और ऐसे भी आज बाप रे, आज पहली बार धूप निकला है पूरा सुबह से हल्का हल्का, तो देख लो धूल मिट्टी कितना उड़ रहा है क्योंकि छोटे भी बाप रे। तो अभी हम पल्टन बाजार में हैं, थोड़ा सा मौसम आज सुहाना है, आज घूमने वाला मौसम है, तो आज एक दो जगह हम लोग घूमेंगे काफ़ी जगह। अभी एक रोज जो सोना है अपना हुंडा, उसको भी लाना है, उसका भी काम करवाना है। ये देख लो बारिश के लिए और रास्ता ख़राब हो गया, ओके देखो। और ये जो फुट फ्लाई ओवर है इसका भी काम हो ही गया है लगभग, लिफ्ट वगैरह का काम, टाइल्स वगैरह लग गया हुआ है। तो जल्दी हम लोग इसका वीडियो बनाएंगे, इस पर आकर इस पार से उस पार होंगे। देख लो लोग देखता भी नहीं है ना भाई, डायरेक्ट चल पड़ता है। अरे देख लो भाई पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा लेकिन गाड़ी वाला का बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो बेचारा एक बार में ही ब्रेक मारेगा। वो रूम पे आ गए और यहाँ पे सुनहरी को अभी लगाए हुए, ये रहा यहाँ पे लगा हुआ है, और अपना इसको अभी यहाँ ढाके हुए हैं।
देख लो ये रही किधर, मुंह दिखा दे, मुंह दिखाई करवा दे। तो बस देख लो अभी यहाँ खड़ा हुआ है, इसको वॉश भी करवाना है क्योंकि वो मोबिल उबिल हर जगह मोबिल वगैरह लगा हुआ है ना, ये सब तो चैन उनमें वो दिया था ना, चैन क्लीनर, चैन लूप, क्या क्या बोलता है ना, वो सब डाला हुआ था। एक रोज़ और इसका काम कराना है। ये जो ब्रेक है ना यहाँ पे ना, ये देखो ये दिख रहा होगा, ये जो हिल रहा है यहाँ पे, इस जगह में क्या है कि ये है वो स्क्रू नहीं टाइट होता है, तो इसका छेद बनाना होगा। तो उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम लोग आज वही क्या 220F को गए थे, काफ़ी सारा उसका काफ़ी दिनों से मतलब कि काम उसका काफ़ी सारा पेंडिंग था, तो हमने सोचा आज उसका काम कर लेते हैं। तो वही क्लच प्लेट वगैरह, क्लच असेंबली को हमने चेंज कराया पूरा का पूरा ही, क्योंकि पिकअप ले नहीं रहा था बढ़िया से, और काफ़ी दिन भी हो चुका था। मोबिल वगैरह मैंने चेंज कराया जो कि आपको दिखा ही दिया। तो उम्मीद है छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और आने वाला एक और वीडियो है जो कि आपको पता ही है आसाम में काफ़ी सारा बारिश है, का मौसम था बीच में, अभी एक दो दिन से धूप वो दे रहा है, तो उसके लिए काफ़ी जगह काफ़ी मतलब ब्रह्मपुत्र नदी में उफान आया हुआ है, मतलब पानी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो उसको चलते हैं थोड़ा नदी वगैरह हम लोग देखते हैं। काफ़ी दिनों से मैं गया नहीं, 15 दिन हो गया नदी के किनारे गया नहीं, तो अभी जाके देखते हैं कि अभी पानी कितना आया हुआ है। उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।